हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने घर पे बनाया स्टैंड, वो भी कूलर का। और देखिए पुराने कूलर को कैसे हम नया बना के उसे सेटअप कर सकते हैं। पेंट करके मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसको। ऊपर साइड सब पेंट कर दिया है, यहाँ पे छेदा हो गया था तो मैंने इस पर वो लगा दिया था एक पुट्ठा, जिससे वजह से पूरा ढक गया है और अच्छा दिख रहा है। बाकी इसका अभी जाली लगाना बाकी है, वीडियो को एंड में आपको मैं सब करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जैसे कि ये पूरा जंग लग चुका है, और इसको मैं रेत मार कागज़ से एकदम साफ करूंगा और इसके बाद इसे पेंट करके एकदम न्यू कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि मैंने दोनों ही को पेंट कर दिया है। अब मैंने को मैं लगाऊंगा और देखते हैं ये कैसा दिखता है, क्योंकि पूरा जंग खा चुका था ये और इसे बनाने में बहुत वक्त लगा, पर फिर भी ये देख सकते हैं आप क्रैक भी हो गया था, जैसे मैं आपको दिखा चुका था आपको, तो देख सकते हैं। अब इस पर यहाँ पे फिट कर देंगे हम, कूलर रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बन गया इसका स्टैंड, मैंने लकड़ी का यूज करके इसे बनाया जिससे ये टिक सके, मतलब खिड़की पे फिट हो सके, जिससे स्वच्छ हवा मिले। ज़्यादातर कूलरों को ऐसे ही रखें, तो मैंने इसे बांध दिया है क्योंकि स्टैंड बन गया है। और आप देख सकते हैं ये कूलर है और यहाँ पे खिड़की चलेगा, मोटर रेडी है। अब थोड़ा सा कार्य बचा हुआ है इसका और ये रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स आखिरकार ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है, इसे मैंने बांध दिया है दोनों साइड से और इसमें फाटक भी लग चुका है और जिस पर स्टैंड मैंने बनाया ये छोटा हो रहा था, खिड़की पे लेवल का नहीं आ रहा था, कर दिया हूँ। देख सकते हैं पूरे क्रैक हो चुके थे, तो इसे पेंट करके मैंने कुछ ठीक किया है। बस अब इसका कनेक्शन करना है, अब कनेक्शन करने के बाद ये चालू हो जाएगा।